सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नए दिन की शुरुआत। और आज जो है हमारा क्रिकेट का मैच है स्टूडेंट्स का हमारी, और आज हम एक स्टेडियम में आए हैं, बादराबाद में स्टेडियम है। तो लेट्स, ये जी इनका बैनर है और आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको इनको अगर गूगल पे भी सर्च करते हैं तो ये आपको मिल जाएंगे, और आप इनसे कांटेक्ट करके अपने स्कूल को भी इनके साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। और अभी हम जो है चलते हैं और मैच की झलकियां देखते हैं। ये कुछ मैच की सूरत हाल चल रही है और अभी जो है ये सारे मैच खेल रहे हैं। ये एक टीम आई है और उनके साथ अभी ये मैच चल रहा है। ये फर्स्ट मैच है, आज हमारी टीम सबसे पहले आई थी और ये टीमें जो है थोड़ी सा देर से आई हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये फर्स्ट मैच है और एक फ्रेंडली मैच है, क्योंकि बच्चे वो बड़े हैं। हमारे पास ग्रेड 1 और 2 के हैं, ये ग्रेड 3 के हैं। आई हैं सारी टीमें देर से, और ये बॉल आई, कैच। मेरा नाम सैयद अहमद इसद है, सैयद अहमद इसद फरीद, मैं ऑफिशियल स्कोरर हूँ पीसीबी का। तो ये गौहर भाई ने जो टूर्नामेंट शुरू करा है PSSO के नाम से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स स्कूल ओलंपिक के नाम से, तो ये बड़ा अच्छा आजकल के बच्चों के लिए, छोटे हुए बड़े हुए सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये देख सकते हैं मोबाइल जा रहा है, तो इसके अंदर ये लोग अपना खेल वगैरह हर चीज़, हर तरह के खेल होते हैं, क्रिकेट होती है, फुटबॉल होता है, फुटबॉल होती है, टेनिस होता है, टेबल टेनिस होता है, हर तरह के खेल होते हैं। बच्चों को एक्टिविटी वगैरह दी जाती है और हर चीज़ की सिक्योरिटी दी जाती है और प्रोफेशनल काम होता है। सही, तो उसके अंदर जितने भी स्कूल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको इस बात का बताया जाता है कि जो भी टूर्नामेंट होंगे आगे जाके जो ही अच्छे लेवल पे भी कराए जाएंगे। तो अभी ये छोटे हैं, इनका छोटे लेवल पर हो रहा है, लेकिन हो रहा है प्रोफेशनली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि जिसे वो कहते हैं ना ऐसे ही आप नॉर्मली आप कर रहे हैं, तो वो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन सब प्रोफेशनल काम। और सर वो जो ऐप के रिलेटेड जी, हमारी ऐप है, ये इंडिया की ऐप है जो हम लोग इस ऐप को चलाते हैं, इसका नाम है क्रिक हीरोज़। तो तकरीबन पाकिस्तान में और कराची में, कराची का मुझे पता, तो कराची में जो तकरीबन 90% जो इसके अंदर हो रही है, इसमें क्रिकेट हो रही है। सही होता है, इसके अंदर एक बच्चे की एक कॉन्टैक्ट नंबर से आईडी बन जाती है, तो वो अगर बच्चा उसी कॉन्टैक्ट नंबर को यूज़ करता है, भले वो आगे के 20 साल भी यूज़ करेगा, तो वो ऐप के अंदर वो वही उसका रहेगा, जो भी उसका डेटा होगा ना 20 साल का, वो उस ऐप में आएगा, वो आगे पीछे नहीं होगा। अदरवाइज अगर वो अपने नंबर चेंज करता है, जैसे आजकल आगे लोग कर जाते हैं, तो फिर वो उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं करता तो नहीं होगा। बहुत अच्छी ऐप है ये, इससे ये है कि आप घर पर बैठ के अपना मैचेस देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, इसके अंदर कोई मसले वाली बात। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है इसके अंदर, लाइव होगा तो वो लाइव भी देखा जाएगा इसके अंदर। अगर कैमरे वगैरह लगे होंगे ऊपर ही ऑप्शन आया था, बहुत ईजी ऐप है। और अगर खाली आप अपना बेटे का नाम लगाया, मोबाइल नंबर जो आपने दिया है वो आप सर्च करेंगे ऊपर, आपके बेटे का पूरा डेटा आ जाएगा, जिसमें किस मैचों में किसने टूर्नामेंट खेले हुए, किस डेट को किस जगह पे खेले हुए, और कितने अंपायर्स के बीच में खेले हुए, और सब कुछ आ जाएगा। मतलब बहुत अच्छी ऐप है ये, मैं ऐसा कि मुझे 3 साल हो गए सर को चलाते हुए। माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर। तो जी फाइनली आ गए, बच्चों ने बड़ा अच्छा खेला और बड़ा मज़ा आया। दूसरे बच्चे बहुत स्ट्रांग थे, बड़ी क्लासेस के थे, लेकिन बहुत अच्छा और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था PSS वालों ने, और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। स्पेशली टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं वहाँ के, बहुत अच्छा वार्म वेलकम दिया। तो फाइनली अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, और वो प्रोजेक्ट जो है बेसिकली अभी पूरा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बनाने की, तो होपफुली वो बहुत जल्द आ जाएगा। वो एक सॉन्ग है जो बेसिकली सबको पसंद है, तो होपफुली उसका इंस्ट्रूमेंटल बहुत जल्द आने वाला है। मैं आपको सुना देता हूँ कि वो ट्रैक किस तरीके का मैंने बनाया है, उस पर भी गिटार्स होने वाली हैं, तो गिटार्स मैं लाइव करूँगा, तो मैं आपको प्रोजेक्ट सुनाता हूँ कि वो प्रोजेक्ट है क्या। तो ये अभी कम्प्लीट नहीं है, ये अभी थोड़ा सा ही मैंने किया है, तो बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा और इसको YouTube पे लॉन्च कर देंगे। तो ये सिर्फ ये बैकिंग ट्रैक है, उस पर गिटार्स होंगी, तो आप आइडिया कर लेंगे कि कौन सा सॉन्ग है। अभी भी आप इंस्ट्रूमेंटल सुने देखें,
और मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा सॉन्ग लग रहा है आपको। तो बोर नहीं करते आपको और इसको लॉन्च करूँगा मैं। और फाइनली अब मैं आपको जो है मैं बता दूँ कि ये जो सॉन्ग है बेसिकली काफ़ी लोगों को पसंद है, बॉलीवुड का सॉन्ग है। बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने फेसबुक पे मुझे कमेंट किया कि जी आप ये कवर करें, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो आई गेस वो सॉन्ग मुझे याद नहीं है, लेकिन आई गेस पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का था या पता नहीं किसका था, मुझे नहीं पता। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। तो थैंक यू सो मच, लोगों के फीडबैक अब आने लग गए हैं, मैं तो मुझे एक हौसला भी होने लग गया और मुझे खुशी है कि अब आपके फीडबैक की वजह से मुझे जो है ना एनर्जी मिलती है और मैं काम करता हूँ। अदरवाइज़ जो है अगर फीडबैक ना आए तो बंदा डिसहार्ट हो जाता है और वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता। तो थैंक यू सो मच इतने प्यार का, इतने एफर्ट का जो आप मेरे लिए करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत जल्द जो है आपको एक नई जो है वीडियो मिलेगी। तो चलें अपना ख्याल रखिएगा, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चलें, टेक केयर, बाय।